तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही एक जानकारी लेकर आए हैं, जो एक नई अपडेट निकल के आई है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर से जो है आपको यहाँ पर कुछ नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। वो नए बदलाव आपको क्या देखने को मिलने वाले हैं, वो आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको बताने वाला है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया है 1 दिसंबर 2024 से बड़े बदलाव, एक जो है राशन कार्ड से ज़बरदस्त जो है फायदे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जैसे दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि APL और BPL और AAY वालों के लिए जो है सरकार ने यहाँ बदलाव देखने को, जो सरकार की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि सिर्फ इनको मिलेगा फ्री राशन, जैसे आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे। तो अब चलिए आज की इस वीडियो में ये आपकी योजना के बारे में ये अपडेट जो निकल के आई है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ कि जो ये अपडेट निकल के आई है, ये जो क्यों काउंसिल यानी कि लोगों को इस योजना का जो है लाभ मिलने वाला है, कौन इसका लाभ मिलेगा और कौन सी योजना है और क्या क्या योजनाएं हैं, यानी कि सारी डिटेल आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी तरह वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा लेना है, कमेंट जरूर कर देना है, ताकि आप कमेंट कर देंगे तो हमें पता चले आप लोग कहाँ से और कब, यानी कि कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पर आपको बदलाव के बारे में बताना चाहें जैसे हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो यहाँ पर आप चलिए स्टार्ट करते हैं। पर 1 दिसंबर से जो आपको यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1 दिसंबर से यहाँ पर काफ़ी सारे जो है आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राशन कार्ड की जो न्यू रूल है, राशन कार्ड के जो न्यू रूल आपको देखने को मिल रहे हैं, खाद्यान्न जो है सुरक्षा मंत्रालय ने राशन कार्ड के धारकों के लिए जो है महत्वपूर्ण नियमों में जो है बदलाव किए गए हैं। और इन नियमों का जो है पालन करना सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य होगा, यानी कि करना पड़ेगा। जो है नए नियमों के अनुसार राशन की जो मात्रा है वो वितरण प्रणाली के बदलाव में किए गए हैं। ये आपको जो है यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, जैसे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे दिया है EKYC की अनिवार्यता के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि जो है EKYC जो राशन कार्ड में हर महीने में या चेंज ही होती रहती है, हर योजना जो जैसे बदलाव थोड़ा बहुत होता है तो EKYC कराना ही पड़ता है। और इसके जाँच होती है कि कौन किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और किनको नहीं मिलना चाहिए, उसी के आधार पर ये लोग राशन देते हैं, उसका जो है आपका फायदा होता है। तो यहाँ पर जैसे वर्तमान के सभी राशन कार्ड धारकों को EKYC करवाना जो है अनिवार्य, जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे विभाग की जो अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2025 पर जो है निर्धारित है, यानी कि 1 जनवरी 2025 में जब यानी कि आपकी अंतिम तिथि होगी और EKYC आपको करवाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि हर जो अगला वर्ष नए वर्ष आने वाला है तो इसमें आपको कराना ही पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है कि इस स्थिति में EKYC जो है करवाने वालों के जो लाभार्थी होंगे राशन सुविधा यानी कि निरस्त की जा सकती है, जो नहीं करवाएंगे उनका यानी कि राशन कार्ड के द्वारा वो लाभ नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए आपको करवाना जरूरी है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो है यहां पर जैसे है तो यहां पर दिया है राशन कार्ड का जो वितरण मानदंड है, यहां पर जैसे सुरक्षा यहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है राशन कार्ड मात्रा में निम्नलिखित जो है बदलाव आपको देखने को मिलने वाले। चलिए हम कुछ बदलाव के बारे में अब बात करते हैं। पहले जैसे हमने बताया कि EKYC हो गया, और यहां पर जैसे आपको पता होगा कि सम्मान श्रेणी में 2 किलो गेहूं और जो है 2.5 किलो चावल की मात्रा जो है दी जाती है। अब यहाँ पर अत्यंत्योदय जो है कार्ड धारकों के लिए अत्योदय के जो आधार धारकों उनको यानी कि 18 किलो चावल 17 किलो गेहूं मिलता है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है अत्योदय जो होते हैं राशन कार्ड के जो विशेष प्रावधान होते हैं, जैसे यहाँ पर अत्योदय जो है राशन कार्ड धारकों के लिए विशेष यानी कि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। प्राप्ति में जो है यूनिट में 35 किलो खाद्यान्न और प्रावधान जिसमें आपको चावल गेहूं का जो है नया अनुपात जो है लागू किया गया है। बदलाव आपको 1 नवंबर से यानी कि प्रभावी हुआ है, आपको यहां पर 1 नवंबर से ये बदलाव देखने को यानी कि चर्चा हो रही थी, जो यहां पर 1 नवंबर से ये जारी किया गया है, ऐलान किया गया था। और यहां पर जो है राशन कार्ड के जो प्रकार होंगे, यहां पर भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के जो है राशन कार्ड किए जाते यानी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। अब वो कौन कौन से राशन कार्ड होंगे मैं आपको जैसे बता दूँ, तो आपको पहले ही पता होगा कि यहाँ पर आपको BPL वाला का राशन कार्ड हो गया, APL वालों का हो गया, और यहाँ पर अंत्योदय वालों का जो है राशन कार्ड होगा। ये यानी कि तीनों राशन कार्ड आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको ये आपको योजना में जो फायदे आपको होंगे इनसे होंगे। अब EKYC की बात करते हैं, जो EKYC की जो है EKYC की प्रक्रिया जो महत्वपूर्ण होती है, यहाँ पर EKYC प्रक्रिया यानी कि सरल बनाया जाता है, लाभार्थियों को जो है निकटतम और उचित मूल्य में दुकान पर जो है जाकर प्रक्रिया पूरी यानी कि कर सकते हैं। और यह प्रक्रिया राशन कार्ड वितरण के पारदर्शी वास्तविकी जो होती है बनाने में जो है सहायता करती है। ये आपका यहाँ पर जो महत्व हो गया। और यहाँ पर जैसे दिया राशन कार्ड के धारकों के लिए नियम
नियमित रूप से जो है नियमों को अपडेट की जो है जानकारी रखनी चाहिए। और जो है जैसे लिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपकी राशन कार्ड के नियमित अपडेट होते हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। और यहाँ पर समय पर EKYC आवश्यक जो है प्रक्रियाएं पूरी करने में जो है नियंत्रण जो है प्राप्त रहता है। और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप चलिए महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं तो ये योजनाओं के लिए जैसे यहाँ पर दिया है कि आवश्यक दो है दस्तावेज बराबर सब यानी कि आपके होने चाहिए। वैसे आपको EKYC में जो लगेगा अगर आपसे होता है तो यानी कि आपको EKYC आपको यानी कि आपको करवा लेना है। कहिए तो आप अपने कहीं आसपास के जो है CSC केंद्र में जाके यानी कि ये EKYC आप करवा सकते हैं। अगर आपको यानी कि वीडियो के माध्यम से अपना करना चाहते हैं मोबाइल के, तो आपको क्या करना होगा कि आपको हमारे चैनल पर वीडियो काफ़ी पड़े हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आपको जो है EKYC जो है आपको कैसे करवाना है। ये आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर नहीं होता तो कमेंट में आप हमें बताइएगा, हम EKYC के जो है वीडियो आपको बनाकर अवश्य दे देंगे। तो आप अपना EKYC यानी कि घर बैठे मोबाइल द्वारा कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, यानी कि आपके यहाँ पर कोटेदार के द्वारा भी आप यहाँ से वहाँ से जानकारी लेके आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।